हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वाईफाई सक्सेस क्लासेस में। जैसा कि हम आपको करा रहे हैं, ठोस अवस्था में जो न्यूमेरिकल आते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो न्यूमेरिकल आते हैं उसके टाइप करा रहे हैं आपको। तीन टाइप आपको करा दिए हैं जो पिछले वीडियो में जाकर आप देख सकते हैं। तो तीन टाइप आपके जब करा दिए हैं तो आप बचे हैं अगले टाइप। ये पांच टाइप से आप सवाल लगाना सीख जाएं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर किसी भी प्रकार से आपसे प्रश्न पूछा जाएगा जो न्यूमेरिकल में होगा तो आप उसे हल कर लेंगे, आसानी से हल कर लेंगे, क्योंकि इनमें घनत्व, मोलर द्रव्यमान और परमाणुओं की संख्या, इनके बारे में ही केवल पूछा जाता है। तो इनके बारे में जब पूछा जाता है तो इनको हम सभी टाइप इसके सीख सकते हैं। तो तीन टाइप इसके करा दिए हैं, अब इसका चौथा टाइप और पांचवा टाइप। तो चलिए चौथे टाइप में क्या लिखा हुआ है इसको प्रश्न को पढ़ते हैं। एक तत्व का मोलर द्रव्यमान दिया गया है, यानी के यहाँ पर लिखेंगे हम हल लिखेंगे। तो यहाँ मोलर द्रव्यमान को एम से डिनोट करते हैं, एम, और मोलर द्रव्यमान दिया गया 2.7 × 10⁻²। तो यहाँ पर लिखे 2.7 × 10⁻²² किलोग्राम में दिया गया है, किलोग्राम प्रति मोल, या मोल इन्वर्स बोलेंगे, ठीक है। ये दे दी गई एक वैल्यू। उसके बाद में दिया गया यह 405 पिकोमीटर लंबाई की एक भुजा वाली घनीय एकक कोष्ठिका बनाता है, यानी कि इसकी ए भुजा जो ए इक्वल है वो कितना है, 405 पिकोमीटर। और हमने बताया था एक पिकोमीटर बराबर होता है 10⁻²। मीटर तो इसको हम चेंज कर लेंगे, ये हो जाएगा 405 × 10⁻²। मीटर, अब मीटर से हम इसे सेंटीमीटर में ले आएंगे तो 100 का डिवाइड लगाएंगे, 100 का भाग लगाने पर यहाँ दो घातें कम हो जाएंगी तो ये बचेगा 405 × 10⁻²⁰। अब ये एक ही वैल्यू पता चल गई। आगे दिया गया यदि इसका घनत्व 2.7 × 10⁻³ किलोग्राम हो, तो D बराबर दे रखा है आपको 2.7 × 10⁻³। ये वैल्यू और ये वैल्यू समान है, केवल क्या है, तीन यहाँ पर दिया गया है, घातों में माइनस के तीन, और किलोग्राम प्रति मोल ये भी है, ठीक है। किलोग्राम प्रति मोल नहीं होगा, ये घनत्व होता है किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब में होगा, ये सेंटीमीटर क्यूब में होगा, और ये भी सेंटीमीटर क्यूब में, मोल में नहीं होता घनत्व, तो सेंटीमीटर क्यूब में होता है। तो अब हम आ जाएंगे हम अपने फार्मूले में, और फार्मूले में एक चीज़ और होती है, नंबर ऑफ एवोगाड्रो, जिसकी वैल्यू होती है 6.23 × 10³। अब इसके बाद में हम फार्मूला लगाएंगे, क्या होता है, घनत्व बराबर डी बराबर जेड इंटू एम बटे होता ए क्यूब इंटू नंबर ऑफ एवोगाड्रो। अब हम इसकी वैल्यू रख देंगे, पहले हम फार्मूले को चेंज कर लेंगे। फार्मूला जब चेंज करेंगे तो हमको क्या नहीं इतने में पता है, एम दिया है, ए दिया गया है, डी दिया गया, एन ए दिया गया, ए क्यू दिया गया, ए की वैल्यू दी गई है तो ए क्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ पर नंबर ऑफ एवोगाड्रो सिर्फ हमें क्या नहीं दिया गया, एम जेड इक्वल नहीं दिया गया, हमें परमाणुओं की संख्या पूछी जा रही है। प्रकृति तभी हम बता सकते हैं, यदि एक परमाणु निकलेगा तो प्रकृति होगी SCC, दो निकलेंगे तो BCC या ECC हो सकता है, यदि चार परमाणु निकले तो हमारी संख्या हो जाएगी यहाँ पर FCC, प्रकृति का वो क्रिस्टल होगा। तो यहाँ पर हम वैल्यू को चेंज कर लेंगे तो हम लाएंगे जेड इक्वल, यम नीचे आ जाएगा, यम जब नीचे आ जाएगा तो यहाँ पर जेड के स्थान पर क्या हो जाएगा, डी इंटू ए क्यू इंटू नंबर ऑफ एवोगाड्रो। हमें जेड ही प्राप्त करना है, तो जेड प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे, तब जब जेड प्राप्त करना तो यहाँ पर ले आते हैं इसको और ये बड़ा सा एरो लगा देते हैं, ठीक है। डी की वैल्यू रखेंगे कितनी है, 2.7 × 10³। घातों को हम आगे यूनिट को किसी को नहीं लिखेंगे क्योंकि यूनिट आपस में कट जाएंगी और सेंटीमीटर क्यूब में आ जाएगा,
तो यहाँ पर जेड इंटू क्या लिख दिया 2.7 इंटू 10 की पावर माइनस 3, आगे मल्टीप्लाई करेंगे तो किसका होगा 405 गुणे 10 की घात माइनस 10 का होल क्यूब। अब आगे मल्टीप्लाई किसका होगा, नंबर ऑफ एवोगैड्रो, नंबर ऑफ एवोगैड्रो कितना है 6.023 इंटू 10 की पावर 23, 23, इसको हम कर लेंगे। अब हम लिखेंगे वैल्यू m की, m की क्या है 2.7 इंटू 10 की पावर माइनस 2, माइनस 2 हो गई। अब हम इसको हल करेंगे, जो भी एक जैसा है, यहाँ पर 2.7 इसका पॉइंट से पॉइंट चला जाएगा, 27 से 27 कट जाएंगे, ये दो घातें माइनस की हैं, दो घातें प्लस की हैं, जब ये ऊपर जाएंगी तो घातें यहाँ पर एक बचेगी, तो इसको हम क्या करेंगे एक घात यहाँ पर काट देंगे, केवल 10 की घातें बन बची हुई हैं। अब जब वैल्यू को हमने रख लिया है तो आगे हम चलते हैं इसको हल करते हैं। अब हल करने के लिए ज़्यादा नीचे नहीं जा सकते हैं, तो ये वैल्यू तो आप समझ गए होंगे, इसको हम आप रफ किए देते हैं, ऊपर ले आते हैं इसको, ऊपर जब ले आएंगे तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको ऊपर ले आएंगे तो यहाँ पर आए 405 गुणे 10 की घात माइनस 10 का होल क्यूब, और यहाँ पर घाते इस माइनस वन को इसमें से घटा देंगे तो यहाँ 22 घातें बचेंगी, इंटू हो जाएगा 6.023 इंटू 10 की पावर 22। 22 क्यों बची, क्योंकि यहाँ पर देखिए 3 है और यहाँ पर 2 हैं, तो यहाँ से 2 घातें कैंसिल हो गई, लेकिन एक घात अभी भी है जो इसमें से हमने घटा दी, प्लस में से माइनस की घात को घटा दिया। अब हम इसका करेंगे क्या, पहले हम इसका कर लेंगे क्यूब, तो टोटल में ये वैल्यू आई है, पहले 405 का क्यूब करिए, तो 405 का मल्टीप्लाई 405 में 3 बार करना होगा, 25, 5×20, 0 का मल्टीप्लाई करिए 0, 0, 2 क्रॉस लगाइए, 4×5=20 और 4×16 इसको जोड़ दीजिए 5, 2, 0, 4, 6, 1, तो ये आ जाएगा 16, 40, 25। जब 16, 40, 25 में हम एक बार और मल्टीप्लाई करेंगे, 16, 40, 25 में कितने का 405 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 25 और 5×2=10 और 2×12 और यहाँ पर 5×0=0, 1 हासिल आया, 5×20 और 2 हासिल आएंगे, 5×6=30 और 2×32 हासिल, 3×5=5 और 3×8 क्रॉस लगाएंगे, 0 का मल्टीप्लाई करेंगे, कुछ नहीं होगा, बस 0 ही ऐड कर देना है। अब 4×4=20, 4×2=8 और 2×10 की 0 हासिल, 1, 4×1=4, 4×0=0 हासिल आ जाएगा, 4×16। अब यहाँ पर करेंगे 4×6=24 और 1×25 की 5, 4×1=4 और 2×6 आ जाएंगे। अब हम इसको टोटल जोड़ेंगे, तो टोटल जोड़ने पर यहाँ पर कितना आ जाएगा 5×2=0, 3×8=14, 8×6=14 की 4 हासिल आए कितने 1, तो यहाँ पर आ जाएगा 6 और ये हो जाएगा 66, 66, 43, 01, 25, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 66, 43, 01, 25 इसका क्यूब हो जाएगा। अब यहाँ पर हम इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसका हमने क्यूब किया 405 का, तो आएगा 66, 43, 01, 25 इंटू 10 की, इसका गुणा घातों का घातों में यदि हम गुणा कर दें तो उसका गुणा डायरेक्ट हो जाता है, 10×30 हो जाएगा, घातों का घातों में गुणा हो जाता है, ये नहीं है कि घातों का क्यूब कर देंगे, तो यहाँ 10 का गुणा 10 में अगर 3 बार कर देंगे तो ये 10×100, 100×1000 हो जाएगा, 1000 घातें कभी नहीं होंगी, तो 3×30 ये माइनस की हो जाएंगी 30 घातें, मल्टीप्लाई करेंगे 6.023 इंटू 10 की पावर 22। अब इसमें से घाते घटा दीजिए, तो यहाँ पर पहले अंकों को कम कर लेते हैं, कितने अंक है 25 था, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो यहाँ पर ये कितने अंक हैं 7 अंक बाद यहाँ पर घाते बचेंगी कितनी 23, तो इसे लिख देंगे 6.64 इंटू 10 की घाते 23
मल्टीप्लाई कर देंगे कितने का, 6.023 इंटू 10 की पावर 22, इसमें से घात घटा देंगे माइनस की बचेगी एक, 22 में से 23 में से 22 माइनस की घातें चली जाएंगी तो कितनी बचेंगी, टोटल बचेंगी यहाँ पर एक घात बचेगी, तो एक घात के लिए क्या करेंगे, तो यहाँ वैल्यू लिख लेंगे 6.64। ज़्यादा नहीं लगते इतनी लंबी लिखने के लिए, क्या हो जाता, हमने आपको पहले ही बता दिया है कि यहाँ आंसर हमेशा लगभग में ही आएगा, क्योंकि पॉइंट की वैल्यू का पीछे का मल्टीप्लाई यदि हम देखेंगे, कि कोई कैलकुलेटर का तो काम नहीं हाथ से ही करना है, ज़्यादा बड़ी वैल्यू का मल्टीप्लाई करेंगे तो दिक्कत होगी, तो हम उस वैल्यू को पॉइंट के दो अंक तक ही रखें, और आप भी यही करें, पॉइंट के बाद दो अंक ही रखें, उसके बाद की वैल्यू का कोई मूल्य नहीं, यहाँ पर बस आंसर ही आपको निकालना है। यहाँ पर बचेगा इंटू में 6.023 इंटू 10 की पावर माइनस वन हुआ, तो अब इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, तो करिए 6.64 में मल्टीप्लाई, ऐसा करें इसको ऊपर ले लें, या फिर एक अंक और जोड़ लें यहाँ पर, 43 कर लें, बराबर के अंक ले लें, 43 कर लें, ये एक अंक और ले लिया है, क्योंकि यहाँ पर तीन अंक है पॉइंट के बाद, तो इसके भी तीन ले लो, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर ऐसा करने में, तो 6.023 इंटू यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 6.643 का, आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, चार अंक का करना है, तीन तरका 9, तीन दूनी 6, 0 तिछाक 18, चार तीनों 12, चार दूनी 8 और एक 9, चार का 0 में 0, चार छंक 24, फिर हम करेंगे किसका, 6 का 6 18, 6 दूनी 12 और एक 13, 6 का 0 में 0 एक हासिल आ जाएगा, 6 36, फिर हम क्रॉस लगाएंगे, 3 क्रॉस लगाएंगे, फिर हम 6 का करेंगे तो यही आएगा, तो 8 3 1 6 3, अब हम इसे ऐड करेंगे, ऐड करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 9, 6 2 8 8 हो गए, और यहाँ पर कितने हैं, 8 और 9, 8 9 17, 17 की 7 हासिल आ जाएगा 1, 8 3 11, 11 और 8, 11 8 19 और 1 20 की 0 हासिल आएगा 1, तो यहाँ पर कितने होंगे, 4 1 5 5 और हासिल 2 आएंगे, 20 हो गए तो हासिल 2 आएंगे, तो 4 1 5 5 1 6 6 3 9 9 2 11 हासिल आएंगे अब 1, तो यहाँ 6 2 8 8 1 9 9 9 हो गए और एक हासिल का 10 की 0 हासिल आएगा 1, 6 3 9 और 1 10 की 0, 3 1 4 कितने आएंगे, 4, अब देख लीजिए वैल्यू कितनी आ गई है, 40 डबल 0, इसको हम रख किए देते हैं, ये हमारा मल्टीप्लाई करने के बाद में वैल्यू आ गई, तो आएगा 40 डबल 0 10789, अब देख लीजिए कितने अंकों बाद पॉइंट लगाना है, तीन ये छः, तो तीन ये छः अंक बाद लगाना है पॉइंट, यदि हम यहाँ पर कम रखते तो एक अंक बाद पॉइंट आ जाता है, इसका मतलब है ये चार केवल आंसर आने वाला है आपका, तो तीन तीन छः एक ज़्यादा आंसर आने से क्या हो गया, यहाँ पर 40 हो गए, लेकिन यहाँ पर पॉइंट अगर ये हम तीन ही रखते तो पॉइंट यहाँ पर आता, तो ये आ जाएगा 4.00, इसका मतलब है कि कोष्टिका की प्रकृति, बस यहीं पर आपको बता देना है कि कोष्टिका FCC प्रकार से निर्मित है, कैसी FCC, फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्टिका के प्रकार से निर्मित है, यहाँ पर एक अंक सिर्फ इसलिए बढ़ गया क्योंकि हमें सिर्फ दो अंक लेने थे पॉइंट के बाद, और इसी कारण ये अंक बढ़ गया है, नहीं मानते तो आपको मल्टीप्लाई दोबारा करके दिखा देते हैं, यहाँ पर देख लीजिए, जब हम करेंगे 6023 में, ये आपकी कंफ्यूजन दूर कर देते हैं, तो जब हम मल्टीप्लाई करते हैं इनका 6.64 में जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे हैं तो आपकी वैल्यू आएगी कुछ, तो यहाँ पर पॉइंट लगा था 001 में आएगी, तो ये चार जो आंसर आपका आएगा आप करके देख लें, चार ही आंसर आएगा और कोष्टिका बनी होगी, और जिसमें परमाणुओं की संख्या होती है चार, वो होती है फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्टिका, हमने बताया ऐसी घनीय एकक कोष्टिका जिसमें अवयवी कण कोणों के अलावा प्रत्येक
सतह पर उपस्थित होते हैं। फलक केंद्रित घनीय एकक कोशिका कहलाती है। जब हमने उनके कणों को जोड़ा था, या यदि इस वीडियो को जो देखने पर एफसीसी नहीं समझ पा रहा है तो वो जाए कोशिकाओं के प्रकार और कणों की संख्या वाले वीडियो को देखे प्लेलिस्ट में जाकर, और उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि एफसीसी में चार परमाणु किस प्रकार से पाए जाते हैं। तो इसका यही मकसद था कि हमें जब जेड निकालना हो, क्या जेड, जब हमें जेड निकालना हो तो परमाणु पता चल जाते हैं। जब परमाणुओं की संख्या आई चार, तो एफसीसी प्रकार से वो कोष्ठिका निर्मित है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये चौथा टाइप हो गया, और पांचवा और अंतिम टाइप, और जिसको क्वेश्चन को कई बार बोर्ड परीक्षाओं में पूछा गया है, नीचे उसकी सन भी लिख दी है हमने। देख लीजिए, इस क्वेश्चन को 15 और 14 में पूछा गया है, कोई ज़्यादा इतना समय नहीं हुआ है। इसको एग्जाम में पूछा गया था सन 2015 और 14 में। क्या दिया गया है कि 58.5 ग्राम NaCl में इकाई सेलों की संख्या ज्ञात कीजिए। दिया NaCl की एक कोष्ठिका एफसीसी प्रकार से है, यानी कि आपको बता दें, ये दिया हुआ ना दिया जाए तब भी नमक और फिटकरी, यानी कि NaCl सोडियम क्लोराइड और K2SO4 Al2SO4 का होल ट्राइज और 24H2O, ये फिटकरी का, इनमें जो भी कोष्ठिकाएं बनी होती हैं वो एफसीसी प्रकार से होती है। उनमें परमाणुओं की संख्या सदैव चार होती है, इस बात को आप याद रखेंगे। तो यहाँ पर कभी दे दिया जाता है, कभी नहीं दिया जाता है। तो ये कोष्ठिका किस प्रकार से, एफसीसी प्रकार से निर्मित है। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए आयतन, आयतन चाहिए है, तो आयतन के लिए हमें क्या करेंगे, सबसे पहले निकालेंगे NaCl का भार कितना है, 58.5 ग्राम। अब निकालेंगे NaCl का अणु भार निकालेंगे। सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इसमें 12 प्रोटॉन को ऐड कर दें तो कितना हो जाता है, 23, तो जोड़िए 23 प्लस। क्लोरीन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 17, लेकिन इसमें प्रोटॉनों की संख्या कुछ 16 के समथिंग में पाई जाती है, तो 16 दूनी 17 दूनी 34, और ये 35.50 होता है। तो 35.50 ये है सोडियम का। जब भी हम अणु भार निकालते हैं, आपको एक बात बता देते हैं, जब आप बिलियन का चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें अणु भार को निकालना हम आपको सिखाएंगे। यहाँ पर आप सीखने में अगर थोड़ी बहुत कठिनाई कर रहे हैं, वैसे तो ये कक्षा 11 का सिलेबस है जो यहाँ पर बताया जा रहा है। कक्षा 11 में ये सिखाया जाता है कैसे हम अणु भार को ज्ञात करते हैं। अब अणु भार को ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, हर एक परमाणु के इलेक्ट्रॉन अणु भार लिखते हैं। जैसे यहाँ सोडियम है, सोडियम के बीच में प्लस लगा दिया तो सोडियम का अणु भार लिखा, और क्लोरीन का, दोनों का ऐड कर लेंगे तो निकलेगा 58.5। एक जैसा आया, लेकिन यहाँ इसकी इकाई होती है ग्राम प्रति मोल, ग्राम प्रति मोल होती है। अब निकालेंगे हम NaCl के मोल, NaCl के मोल जब हम निकालते हैं तो भार में अणु भार का भाग दे दीजिए तो NaCl के मोल निकल आते हैं, NaCl के मोल। अब जानते हैं NaCl का भार ये दिया गया है और अणु भार ये निकल कर आया है, तो यहाँ पर लिखेंगे 58.5 ग्राम, और ये कितना निकला है, 58.5 ग्राम प्रति मोल। ग्राम ग्राम से कट हो जाएगा, यहाँ देखेंगे ग्राम को ग्राम से कैंसिल किया, इस पॉइंट से इसको उड़ाया, 585 में 585 का एक भाग चला जाएगा और ये मोल ऊपर आ जाएंगे, तो टोटल मोल कितने आएंगे, एक मोल। कितना आया, एक मोल। और हम पिछले वीडियो में भी आपको बता चुके हैं कि एक मोल एक एवोगैड्रो के बराबर होता है। एक मोल किसी भी तत्व का यदि एक मोल ज्ञात हो जाए तो
तो वो एक एवोगैड्रो के बराबर होता है। यदि हम अगर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यानी कि विद्युत रसायन पढ़ रहे होते तो उसमें फैराडे के नियम, एक मोल बराबर होता है, एक मोल बराबर होता है फैराडे के अनुसार 96,500, और यहाँ क्या होता है, ये परमानेंट है, एक मोल बराबर होता है एक मोल NaCl बराबर होता है नंबर ऑफ एवोगैड्रो। किसी भी पूरी पीरियोडिक टेबल की बात कर रहे हैं, संपूर्ण पीरियोडिक टेबल में किसी भी तत्व का एक मोल यदि ज्ञात हो जाता है तो वो नंबर ऑफ एवोगैड्रो के बराबर होता है। यही आपको कक्षा 11 में ज़्यादातर मोस्टली सिखाया जाता है, तब आप इतना ध्यान नहीं देते और आपके लिए यही परेशानी प्रश्नों में उत्पन्न हो जाती है। तो एक आप नंबर आप एवोगैड्रो की संख्या कितनी होती है, 0.23 × 10³। ये 23 हो गई, एक मोल बराबर क्या होता है नंबर ऑफ एवोगैड्रो। अब क्या करेंगे, हम देखेंगे कोष्ठिका में परमाणुओं की संख्या क्या है। इसको अब हम रफ कर देते हैं। अरे मेरे प्यारे स्टूडेंटों, ये क्वेश्चन बहुत आसान है, इनको बस आपको समझना है, बस आपको टाइप समझने, ऐसे ही प्रश्न आपको 3 नंबर का हल करने को मिल जाएगा। मात्र 2 मिनट लगाने हैं, हम आपको समझा रहे हैं इसलिए ज़्यादा समय लग जाता है, नहीं तो 2 मिनट में प्रश्न हल हो जाता है। अब निकल आया नंबर ऑफ एवोगैड्रो, एक अब लिखेंगे एक NaCl की कोष्ठिका में सेलों इकाइयों मतलब है कि यूनिटों, इकाई परमाणुओं की संख्या बराबर कितनी होती है, 4। अब लिखेंगे अतः NaCl 58.5 NaCl, इसका नाम लिखेंगे 58.5 ग्राम और लिख दीजिए ग्राम NaCl में कोष्ठिकाओं की संख्या, को सेलों की संख्या या कोष्ठिकाओं की संख्या, बात एक ही होती है सेल को ही। यहाँ जो सेल लिखा है वो इंग्लिश की हिंदी लिख दी गई है, कोष्ठिकाओं की संख्या यहाँ पे लिख देंगे सेलों की संख्या। आपको प्रश्न के अनुसार कराते हैं, नहीं तो कह दोगे सर ने तो कोष्ठिका लिखा, सेलों की संख्या। तो यहाँ पर अब ऊपर लिखेंगे संख्या बराबर, आगे बराबर का निशान लगाएंगे, यहाँ बराबर के निशान के आगे ये वैल्यू लिख रहे हैं, ये बराबर का निशान यहाँ लगाए, यहाँ लिखेंगे एक मोल NaCl का आयतन। एक मोल NaCl का आयतन कितना निकला था, नंबर ऑफ एवोगैड्रो के बराबर, बटे में लिखेंगे NaCl के इकाइयों की संख्या, इकाइयों की संख्या। अब आप जानते हैं क्या करना है, तो NaCl के इकाइयों की संख्या, इसको रब कर देते हैं। तो एन एक मोल आयतन बराबर होता है, एक मोल आयतन बराबर होता है नंबर ऑफ एवोगैड्रो 3×10³³ बटे में NaCl के इकाइयों की संख्या कितनी है, 4। 4 का भाग लगा दीजिए, सेलों की संख्या आ जाएगी। तो यहाँ पर 4 का भाग लगाएंगे 6.023 में, घातों से कोई मतलब नहीं, घाते आगे बस ऐड करनी है, तो एक बार जाएगा 4×4। तो यहाँ पर 4×4 2 बचेंगे पॉइंट का, यहाँ रख देंगे 20 और 4×5 = 20, सही से लिखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं 4×5 = 20। अब भाग नहीं पूरा कट जाएगा, 2 का उतारा लेंगे, भाग नहीं जाएगा, भाग का है बिंदी 0.3 था, फिर 4×5 = 20, बस इतना ही आंसर लिख दीजिए, आंसर आएगा 5.1505 × 10³। ये आ गया आपकी इकाई सेलों की संख्या, ये आया है कि लगभग यहाँ पर 1.5 इकाई सेल की संख्या है, कितने में 58.5 ग्राम NaCl में लगभग
एक और आधा, आधा ही है इधर 505 है तो आधा ही है, अगर ये पूरे हजार हो जाते तो इधर एक जुड़ जाता, तो इनमें केवल डेढ़, एक सेल तो पूरी है और आधी पॉइंट के बाद है। इतनी ही सेलों की संख्या कितने में निकल के आई, 58.5 ग्राम NaCl में। अब ये आपका पूरा हो गया टॉपिक, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं और नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लाएंगे क्रिस्टलों में दोष। जो क्रिस्टलों में दोष उत्पन्न होते हैं वो रस समीकरण मितीय होते हैं, रस समीकरण मितीय होते हैं, उसके बाद में धातु अशुद्धता दोष, ये तीन प्रकार के दोष होते हैं जिनके अंदर ही फ्रेंकल दोष, शॉटकी दोष और अंतराकाशी दोष पाए जाते हैं, जिनको हम विस्तृत रूप में आपको सही से बता देंगे, आप कभी नहीं भूलेंगे। यदि मेरा हमारा वीडियो ये पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। जो भी नए स्टूडेंट इस चैनल से जुड़े हुए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि वीडियो जैसे ही आपको प्रोवाइड किया जाए तो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। तो आपका ये दायित्व है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल वाईफाई सक्सेस क्लासेस पर, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।